अच्छा हुआ कि मैंने वो व्लॉग वहीं पे एंड कर दिया, क्योंकि अगर मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू करती कि मेरे सोफा आने वाला है, तो मुझे नहीं पता मुझे कब तक इंतजार करना पड़ता। क्योंकि मेरे सोफा के लिए मुझे कल कॉल आया था कि मैम हम आपका सोफा डिलीवर करा रहे हैं कल मॉर्निंग में अराउंड 7 to 8 AM। मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, आप 9 बजे तक कराइए। तो ही सेड ओके मैम 9 बजे तक। 9 से 11 हो गए, कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैंने बैक कॉल करके पूछा वट अबाउट माई सोफा यार, डिलीवरी कब हो रही है? तो ही सेड कि मैम हमें इवॉक वालों ने अभी तक सोफा हमें दिया ही नहीं है, लाइक वेयर हाउस से डायरेक्टली वो लोग यहाँ पे डिलीवर कर रहे थे, तो आप प्लीज कॉल करके पता करिए, उसके बाद ही हम डिलीवर कर पाएंगे। मैं इवॉक को एटलीस्ट 25 times कॉल कर चुकी हूँ, 25 times, कांट यू बिलीव। 11 बजे उनकी थी, मैंने तब से लेके अभी तक कॉल कर रही हूँ, इट्स 12, कंटिन्यू कर रही हूँ दोनों नंबरों से, बट उनका कॉल लग ही नहीं रहा है। मतलब इतना ज्यादा वाला मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अगर सोफा सेट हो जाएगा मेरे रूम, मतलब लिविंग रूम में, तभी मैं कुछ आगे प्लान कर सकती हूँ, लाइक कार्पेट एंड प्लांटर्स एंड सब कुछ उसके अकॉर्डिंग। मेरे बिल्कुल सारी की सारी चीजें वॉल तक कोरी रखी हुई हैं मैंने, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, और उसकी वजह से मेरी बाकी चीजें भी सेट नहीं हो पा रही हैं। बेडरूम फाइनली सेट हो गया, बेडरूम वाले के लिए जो चेस्ट और ड्रॉर के लिए बात की थी उन्होंने भी एक दिन को ड्रॉप कर दिया। आई डोंट नो हो क्या रहा है यार, गुस्सा आ रहा है मुझे। इस ब्लॉग में मेरा सिर्फ गुस्सा निकल जाएगा, मुझे नहीं पता। सो मैं अभी फिर से ट्राई करूंगी 30 मिनट के बाद, बट गाइज लुक एट दैट, लुक, काफी सारे यहाँ पे पार्सल्स हैं। मैंने ये बेडशीट भी मंगाई थी, बट आई फील कि मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। मम्मी को ये बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो, मेरे को मेरे कुशन से मैच करती हुई प्लेन बेडशीट ही लेनी पड़ेगी, या तो बेज, न्यूड, कुछ भी ऐसे कलर की। ये शीन के पार्सल्स है, मैं सोच रही हूँ निकलने से पहले मैं शूट कर लूँ, क्योंकि मैं आजकल शूट नहीं कर पा रही हूँ, घर की चीज़ों को लेने में और करने में ही बिजी रह जा रही हूँ बहुत ज़्यादा। मम्मी ने बोला कि थोड़ी बहुत और प्लांट्स जो बाकी हैं वो देख लो, नहीं तो फिर छोड़ो, क्योंकि हमारा का 2 दिन के बाद बर्थडे है, उसका भी ब्लॉग में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। सो यार लास्ट वाला ब्लॉग कैसा लगा वो बताइएगा, और आज का ब्लॉग दोबारा से शुरू हो रहा है। अभी पहले ये शूट कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को फिर यूटिलाइज कर पाऊँ, नहीं तो जो भी डिकोर आइटम्स हैं वो सारे रह जाएंगे। एंड बाय द वे ये शीन की तरफ से पार्सल है, और ये समझ लीजिए शीन की तरफ से गिफ्ट्स है मेरे लिए, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि आई वॉन्ट टू डू अ होम डिकोर हॉल, तो उन्होंने कहा ओके वाई नॉट, तो मैंने सेलेक्ट किए प्रोडक्ट्स अपने घर के लिए। एंड आई होप आपको ये हॉल पसंद आएगा बहुत जल्दी, इस वीडियो से पहले मोस्ट प्रॉब्ली ये हॉल लाइव हो चुका होगा, सो प्लीज गो एंड वॉच। ओके गुड आफ्टरनून गाइस, सो मैं ये ब्लॉग अब कंटिन्यू कर रही हूँ आफ्टरनून से। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि मेरी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स आ गई हैं, ये 5 की हैं, वो भी 5 है, बट इसमें हाइट में डिफरेंस है थोड़ा सा। एंड मुझे उन्होंने ऐसा कुछ टॉप दिया है और उस पर ग्लास दे दिया था, मुझे ग्लास बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने उनको बोला भी था मुझे ग्लास नहीं चाहिए, आई डोंट नो वाई उन्होंने मुझे ग्लास दिया है। तो मैंने इस पर स्प्रे पेंट कर दिया इस ग्लास पे, जो कि ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है ये ग्लास पे, बट फिर भी मैंने कर दिया। एंड मुझे मॉर्निंग में सुबह सुबह ही मैंने ये मिरर ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, दिस वन, बहुत ही प्यारा है मिरर, स्पेशली मैंने इसी ड्रेसर के लिए किया था, क्योंकि मैं इस पर कोई भी नहीं चाहती थी कोई मिरर लगवाना, तो मैंने अलग से मिरर ऑर्डर किया था जो सेंटर में आएगा और साइड में शेल्व्स आएंगी थोड़ी सी। लेट्स सी, अभी मेरे को शेल्व्स देखनी पड़ेंगी, कहीं ऐसा ना हो वो शेल्व्स बड़ी हो जाएं, क्योंकि वो भी अभी तक डिलीवर नहीं हुई हैं। एंड मैंने अपनी वॉल पर भी जस्ट ये थोड़े से मैक्रन्स एंड ये मिरर हैंग किया हुआ है, क्योंकि सोफे वाले ने वादा किया था आज 12 बजे आएगा, 1 बज गए अभी तक वो दोबारा नहीं आया। सो या गाइस मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चेंज वगैरह करके, एंड व्हाट अबाउट माय प्लांट्स, मुझे फाइनली थोड़े से जो प्लांट्स चाहिए थे वो मिल गए, मैंने उनको बहुत अच्छे से क्लीन किया, सेट किया इनमें वास में गमलों में, एंड उसके बाद फिर उनको क्लीन किया ताकि पानी वानी दिया ताकि ठीक लग, उसमें देख कली भी निकल रही है, मतलब बच्चों की तरह पालना पड़ता है मतलब प्लांट्स को, क्लीन करना, पानी देना, देखते रहना और हमारा से बचा के रखना। गाइज आई हैव रिसीव्ड अनदर पार्सल फ्रॉम अमेजोन, जिसका थर्ड हॉल आएगा फॉर श्योर।
शूट करने जा रही हूँ कि मैं अपना मेकअप जो है वो अपनी न्यू वाली चेस्ट ऑफ ड्रॉअर में सेट कर रही हूँ। गाइस आई एम सो टायर्ड, मुझे दोबारा कॉल आया कि मैम 5 से 7 बजे तक का डिलीवरी बंद हो गया है, लाइक कुछ बंदिश टाइप लग गया है और इस वजह से हम आपका डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैंने कहा भैया आप मुझे 4 दिन से गोल गोल घुमा रहे हो, आप लोग आपको करना है कि नहीं करना, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा ई बॉक्स से मैंने ऑर्डर करके सही किया या नहीं किया। आई डोंट नो, आप लोगों में से कभी किसी ने ई बॉक्स से ऑर्डर किया तो प्लीज़ बताइएगा। पर मेरा अभी जो ये डिलीवरी वाला टाइम है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। मैंने उनको बोला है कि मुझे कैसे भी करके आप कल डिलीवर करो, परसों हमारे का बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में यू नो सोफ़ा नहीं है, मतलब मेरे वाले रूम में सोफ़ा नहीं है तो सोफ़ा आ जाए। एंड मैंने अभी जस्ट काम फिनिश किया है, शूटिंग कम्प्लीट किया गाइस, और अभी अभी हमने ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लगाई हैं, किस तरीके से वो तो आप देख लोगे वीडियो में। सो या सुबह के 4:30 बज रहे हैं, सोफे की डिलीवरी इस टाइम आ रही है। आई डोंट नो कि क्या टाइमिंग है डिलीवरी का, हर कोई सो रहा है, मैं भी सो रही थी। अब मैं जा रही हूँ गेट खोलने, इस टाइम डिलीवरी, ग्रेट। गाइस मैंने कल रात ही यहाँ पे स्पेस खाली कर लिया था और क्लीन भी कर दिया था, बस ये ड्रॉअर छोड़ दी थी। मैं वैसे भी रात के 1 बजे सोई थी, 4:30 बजे उठ गई। लुक एट माय मोर पंख वाले बाल। ओके फाइनली मेरा सोने गया, मैंने उनको बोला 4:30 बजे आ जाओ, पर आ जाओ तो ये व्लॉग फाइनली कंटिन्यू हो रहा है। मेरे बाल, मेरी स्मूथनिंग खराब हो गई। खैर सोफा आ जाए, जल्दी आ जाए, नींद आ रही है बहुत तेज, आती सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से सो जाऊंगी, फिर 8 बजे उठूंगी। गाइज फाइनली मेरे दोनों सोफाज ऊपर आ चुके हैं, यू नो सेकंड फ्लोर पे, तो थोड़ा सा बेचारा मशक्कत लगी है। मैंने खोल के भी चेक कर लिया है, देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं अभी फिलहाल। अब पापा ने बोला इनको जस्ट अभी ओपन करना है। 5 बज गए, मतलब मुझे नींद आ रही है इतनी तेज। इनको अभी ओपन करना है और करके अंदर रूम में रख के एंड देन पापा ने कहा सोने वोने का काम करना, क्योंकि ये बड़े कार्डबोर्ड्स हैं इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि स्पेस रोक के रखो, लिफ्ट का काम चल ही रहा है अभी फ्लैट में, तो इस वजह से। गाइस इसके जो पैर हैं, लेग्स, वो ये रहे, इसकी इनकी असेंबली होगी बाद में। गॉड लुक एट माय फेस, इतना रेड और इतना ज्यादा पसीना, माय गॉड बहुत थक गई मैं। क्या यार 4 घंटे भी नहीं सोई हूँ मैं। खैर अभी थोड़ा टाइम है तो अभी मैं थोड़ा सो जाती हूँ। फाइनली मेरे सोफाज आ गए, आई एम सो हैप्पी। बट इनके लेग्स नहीं लगे हैं, ऐसे भी सुंदर लग रहे हैं बट गंदे बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैं इनको देखती हूँ सुबह असेंबली के लिए। आई गेस दे आर प्रोवाइडिंग समवन, आई डोंट नो, अगर नहीं तो कोई ना कोई सोफ़ा वाले भैया या कोई तो लगा लेगा, तो इनके लगा दूंगी। ये सॉफ्ट वेलवेट है, लेकिन मैट वेलवेट वैसे फिनिश है, तो इनमें यू नो इस तरीके से हाथ लगाने पे कलर थोड़ा सा वेरी कर रहा है। हाँ लाइक सी, अब मेरा अब ये वॉल एंड ये वॉल का काम शुरू होगा फाइनली, जो मेरी मैंने कैनवस पेंटिंग्स वगैरह लिए हैं एंड वॉल आर्ट्स लिए हैं वो लगाएंगे। सो अभी मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, 10:30 हो रहे हैं, मैं तो सुबह 5 बजे इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, 5:30 बज रहे थे, मुझे सोते सोते 6 बज गए, अभी मैं उठ गई हूँ यहाँ पे और
मैंने यहाँ पे फेरी लाइट्स लगाई हुई हैं, ये कर्टन की फेरी लाइट्स हैं। लाइक यहाँ पे एक्चुअली मेरे लेडर शेल्फ मुझे जो बाय करना है वो लगाना है, एंड एक प्लांट इस साइड भी प्लांट, और उधर आई हैव नो आइडिया क्या होगा। और मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है, मम्मी अभी अभी मेरे कपड़े लेके आई हैं, और ये वाला एरिया सब क्लीन करना है क्योंकि मैं दूसरा ब्लॉग आज रात से शुरू कर दूंगी, जो कि होगा मायरा एंड माय डैडीज बर्थडे ब्लॉग। सो सब लोग अमायरा मायरा बर्थडे कर रहे हैं, बट मैं पापा का भी बर्थडे है नहीं भूलना, पापा के लिए गिफ्ट ले चुके हैं हम लोग। सो या कैसा लग रहा है आपको ये वाला फेरी लाइट? ये शीन से है और ये स्टोरेज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास पहले जो था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, 3 साल पुराना, एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी वन। ओके सो गाइज हेयर इज माई सोफास। मैं अभी अभी कहीं जा रही हूँ काम से, आके मैं इधर अपना यू नो कारपेट बिछाऊंगी, क्लीन करूंगी, सबको सेट करूंगी। यहाँ के लिए भी मुझे चाहिए एक शेल्फ, सामने के लिए तो मेरे पास है, मुझे यहाँ कैबिनेट चाहिए और या काफ़ी कुछ चाहिए, पर अभी एक साथ नहीं। सो या गाइज ये था आज का व्लॉग। 3 दिन से मैं ये सोफ़ा वाले व्लॉग को कंटिन्यू कर ही रही हूँ, फाइनली मेरे सोफ़ाज आ गए एंड क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी, इट्स वेरी नाइस, बट आई डोंट लाइक द डिलीवरी सर्विस एट ऑल इवॉक का। रेटिंग देनी होगी तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी इनको कि यार क्या तरीका है, ना ट्रैकिंग ना कुछ, बट रियली गुड। मुझे बहुत अच्छे प्राइस रेंज में मुझे ये सोफाज मिल गए, आई एम सो हैप्पी। सो या आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। अमायरा का बर्थडे ब्लॉग के लिए वेट करिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।